और आज एक और रिपोर्ट आई है ICE 360 सर्वे 2021 का, जिसको कि पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने किया है, और ये दोनों ही रिपोर्ट एक बात बताती हैं कि इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और ये खाई इतनी बढ़ रही है कि ये भयावह स्थिति पैदा कर रही है। मैं इस रिपोर्ट के बारे में पहले बात करूंगी और ये किन कारणों से ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आज इस देश की 20% सबसे गरीब आबादी, मोटा मोटा 15 करोड़ परिवारों की आय पिछले साल 53% कम हो गई है, और ये कम नहीं हुई है, 53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है। ये 20% सबसे गरीब आबादी, 15 करोड़ परिवार मोटे मोटे की आबादी पर मोदी सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने सेंध लगाई है। ये 8 साल पहले भी सूट बूट की सरकार थी और आज भी सूट बूट की सरकार है, और हम सबसे गरीब परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो लोअर मिडिल कैटेगरी है उसकी आय करीब करीब 32% कम हुई है, जो मिडिल इनकम कैटेगरी है उसकी आय 9% कम हुई है। तो मोटे तौर पर 60% घरों की, 60% जनता की आय पर मोदी सरकार ने डाका डालने का काम किया है, और ये आय निरंतर कम होती जा रही है इनके शासनकाल में। इसी दौरान, इंपॉर्टेंट है ये समझना, इसी दौरान सबसे अमीरों की आय 40% बढ़ी है। और कुछ भी कहने से पहले मैं एक फिगर आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। 2005 से 2015 के बीच वस्तुतः जो यूपीए का शासनकाल था उसमें 20% जो सबसे गरीब हाउस होल्ड थे, जो सबसे गरीब परिवार थे, उनकी आय 183% बढ़ी थी। तो एक शासनकाल में 183% बढ़ी है और एक शासनकाल में आय आधी हो गई है। 53% होना मतलब 5 साल में आय आधी हो गई है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। सूट बूट की सरकार की नीतियां, उनके नियम, उनके कानून, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए चलती है, उनका गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक बात बतानी और भी जरूरी है। जब मैंने कहा 2005 से 2015 के बीच में 183% बढ़ी इनकम, उसी दौरान 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकाले गए थे, और ये सारे सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रही हूं। यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि न्यू इंडिया में गरीबों को और गुर्बत में ढकेला जाएगा और अमीरों के हाथ में और पैसा और संसाधन और पावर दिया जाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों की आय 8 गुनी हो गई। और एक बात मैं यहां पे बताना चाहती हूं कि सरकार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड तो अमीरों के लिए भी था, लेकिन उनकी आय 40% बढ़ती है और सबसे गरीब लोगों की आय आधी हो जाती है। यह इसलिए था क्योंकि सरकार का जो नीति, नियम, कानून, अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका है वो अमीरों के लिए होता है। पिछले 5 सालों में जब यह हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स कम हुआ। तो मोटे तौर पर 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों से, हर एक परिवार से, 15 करोड़ सबसे गरीब हर एक परिवार से सरकार ने 1.5 लाख रुपए ऐड कर 5 करोड़ सबसे अमीर परिवारों को देने का काम किया। ये मोटा मोटा एक फॉर्मूला बनता है। अगर 40% 20% की बढ़ रही है और 53% आधी हो रही है सबसे नीचे वाले 20% की, तो उन्होंने सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए देकर सबसे अमीर परिवार को देने का काम किया। और ये क्यों हुआ? क्या ये गलती से हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या कोरोना काल के पीछे छिपा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा था उसके चलते हमारी जीडीपी की ग्रोथ की जो दर थी वो 8.2 से 4.1% हो गई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी, और ये सब दिख रहा है। जब गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, और ये आंकड़ा बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है
जो 20% सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो ज्यादातर शहरी इलाकों में हुआ है। अर्बन पावर्टी जिसको कहते हैं वो बहुत जोरों से बढ़ी है, रूरल पावर्टी उसके मुकाबले में कम बढ़ी है। और इसका सिर्फ एक कारण है, जिस मनरेगा को मोदी जी हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे वो संजीवनी साबित हुआ, उसने रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया और उससे लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में वो हुआ लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए न्याय जैसी योजना की आज जरूरत है। हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके पहले से हम लगातार कह रहे हैं न्याय जैसी एक व्यवस्था की जरूरत है, जहां पर गरीब लोग जो प्रभावित है इस अर्थव्यवस्था की कंप्लीट रुइन से उनके हाथ में पैसा डाला जा सके, उनका उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है और आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में अब कुछ ही दिन रह गए, आज से 6 दिन बजट में रह गए, 6 से 7 दिन, और इस बजट का एक ही और सिर्फ एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, इस बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए, इस बजट का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को पाटना, लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को गरीबों के लिए नीतियां और नियम और कानून बनाना। इसके अलावा बाकी जो बगैर बजट होगा तो वो जबानी जमा खर्च की बात है। मैं ये भी कहना चाहती हूं क्योंकि सरकार को सर्वे में बड़ा भरोसा है, एक सर्वे, और हम इस मंच से कहते हैं एक नया सर्वे इंस्टीट्यूट करिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स, ये एक नया इंडेक्स मोदी सरकार को बनाना चाहिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के चलते पता तो चले कि ये सरकार बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ क्या कर रही है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को अधिया दिया गया, किस तरह से निवेश खत्म हो गया, किस तरह से उपभोग प्रभावित हुआ, किस तरह से निर्यात खत्म हुआ इस इकोनॉमी में, यह अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। मैं इस मंच से एक बात यह भी कहना चाहती हूं और यह जरूरी बात है कहने के लिए कि हम पहली बार जो टेक्निकल रिसेशन में गए, हमने जिस तरह से रोजगार नष्ट होते हुए देखे, इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर रोजगार छोटे मध्यम लघु उद्योगों के लिए हुए और राहुल जी लगातार ये कहते हैं कि ऐसे जो उद्योग होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनका नष्ट होना, उनका क्षतिग्रस्त होना इकोनॉमिक रुइन, इकोनॉमिक बदहाली का कारण बनता है। तो इस मंच से हम दो चीजें कहना चाहते हैं, बजट आने वाला है, इस बजट का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए कि आप गरीबों और अमीरों की खाई को पाटिए, गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए, जो शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है, जो शहरी गुर्बत बढ़ रही है उसके बारे में कुछ कीजिए। सबसे पहले तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, आपको समस्या का निवारण करने के लिए समस्या को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन ये सरकार समस्या को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। जरा सी ग्रोथ आती है, आप 7.5 फीट अंदर चले गए थे जमीन के, अगर आप 8 फीट ऊपर भी आ रहे हैं तो आप 0.5 फीट ही ऊपर अभी आए हैं, उस पर तालियां होने लगती हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकने लगते हैं। तो जरूरी है समझना कि गरीबों की सुरक्षा करी जाए, अमीरों के हाथ में जो सबसे गरीब परिवारों से 1.5-1.5 लाख रुपए लेके आपने प्रत्येक परिवार के डाले हैं उस व्यवस्था को खत्म कीजिए। सूट बूट की जो सरकार आप पिछले 8 सालों से चला रहे हो और आपने बदहाली के इस आलम पर ला दिया है कि आज इस देश के 20% आबादी की आय आधी हो गई है और 60% आबादी की आय 5 साल में सबसे ज्यादा कम हो गई है, उसके बारे में निवारण कीजिए।